हेलो एवरीवन, गुरु मंत्रा के एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव चैनल में एक बार आपका फिर तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ श्रेया और एक बार फिर आपके समक्ष एक अच्छी अपडेट के साथ प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की, जिसका कि नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम जान लेते हैं। इस परीक्षा को अपना समझिएगा और जान लगा दीजिएगा तैयारी के लिए, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 7 और 8 महीने की तैयारी का पूरा समय मिलने वाला है। आपने कुछ नहीं करना है, बस तैयारी करते रहना है और कैसे भी करके, किसी भी कीमत करके ये वाला एग्ज़ाम निकाल लेना है। अगले एग्ज़ाम की बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि आने वाली जो अगला कोई भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको एक नया पड़ाव ला कर देगा। वो बहुत कठिन होने वाला है। इसमें चीज़ें पुराने लेवल की चली आ रही हैं, आपको पता है। अगर पैटर्न चेंज होता है अगली बार तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों, कैसे भी करके अपने इस वाले पेपर को आपने निकाल के ही रहना है। आपके इसमें विज्ञापन संख्या 2/2020 प्रवक्ता क्या है ये, इसमें ऑनलाइन आवेदन जो आपका होगा उसकी प्रारंभिक तिथि है 29/10, मतलब आपने 29/10 तक अपना फॉर्म भरना शुरू कर देना है। और जमा करने की प्रारंभिक तिथि है आपकी 29/10, मतलब आप उसी दिन कंप्लीट कर सकते हो फॉर्म को। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 27/11 अंतिम तिथि है रजिस्ट्रेशन की भी और पेमेंट की भी। और बात करें अगर सबमिशन की, तो सबमिशन की 30/11/2020 आपकी अंतिम तिथि है। गाइज, ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इसे नोटिफिकेशन को एक बार इस वेबसाइट पे www.spsessb.org पर जाकर इस नोटिफिकेशन को मेरे पढ़ाने के बाद भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं दिया है, कुछ आपके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं जिनको आप देख लीजिएगा एक बार। बाकी आपकी जो अंतिम तिथि है वो 31/10/2020 है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लिखित परीक्षा होगी, इसमें कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं है। इससे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट गाइस कुछ नहीं होता आपके लिए। आपने बस फटाफट से अपना कर लेना है। अगर कोई भी फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन में या फाइनल सबमिशन में कोई भी इशू आता है, आपने इस नंबर पर कॉल करके बात कर लेनी है और अपने इशू को सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है। और टाइम आपका रहेगा 10 बजे से शाम 5 बजे तक का। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ, तो गाइज संक्षिप्त जानकारी ये है कि आपने पहला रजिस्ट्रेशन करना है, सेकंड ऑप्शन आपका फी पेमेंट आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका फॉर्म सबमिशन आएगा। तो आपको इन 3 ऑप्शन के थ्रू अपने फॉर्म को फिल करना है। पहले में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ आपके जनरल थिंग्स पूछी जाएंगी, जैसे आपका नाम, रोल नंबर एंड ऑल, ठीक है ना, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता ETC, मतलब ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और आपने अपना रजिस्ट्रेशन इसके बेस पर कर देना है। उसके बाद आपने इसका एक फॉर्म ट्रेजरी में जाकर आपको वो भी करना है। आप समझ पा रहे हो, देखो लिखा होगा राज्य के पूछेगा ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान के लिए दिनांक इतने से लेकर इतने 2020 के मध्य की जाएगी, ठीक है ना। द्वितीय चक्रण का देखो, दुगने में क्या आपको पेमेंट कर लेना है। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो अपने ऑनलाइन पेमेंट मोड के थ्रू आपने अपने फॉर्म का पेमेंट कर लेना है। और जो भी आपके ट्रांजैक्शन आईडी है वो उसका प्रिंटआउट अपने पास संभाल के रख लेना है आपने, ठीक। आपका जो पेमेंट रहेगा वो सभी कास्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। सामान्य के लिए 700 रुपये आवेदन शुल्क है, प्रक्रिया शुल्क 500 है, मतलब 750 का आप टोटल पेमेंट करोगे, ठीक है ना। EWS के लिए आपका 650 का है, सामान्य पिछड़े वर्ग के लिए बिल्कुल इक्वल ही है दोनों का। अनुसूचित जाति के लिए 450 का है, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 का है। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपका क्रमांक 1 और 5 के उल्लेखित उनके मूल श्रेणी के अनुसार होगा। सेम इसी प्रकार से महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए और विकलांग के लिए भी कुछ एक आधार दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको पेमेंट करना है। बात करें अगर तृतीय चरण की, मतलब फॉर्म सबमिशन की, तो आपका अगर पेमेंट हो गया है, रजिस्ट्रेशन ठीक हो गया है, तो एक बार फिर से अपने फॉर्म को चेक कर लें और उसके बाद अपना फॉर्म को फाइनल सबमिशन पे डाल दें। गाइज अगर बात करें कि आपका फ़ोटो का आकार कितना होगा, तो वो 335 mm होगा, मतलब कि 1.4 इंच मल्टीप्लाई मतलब गुणा और 1.7 इंच मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है, 1.4 इंच लंबाई और चौड़ाई आपकी इतनी रहेगी, ठीक।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि आपकी आयु सीमा, अगर आपकी आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष हो गई है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर इससे कम है तो नहीं भर सकते। वेतनमान की बात करें तो प्रवक्ता वर्ग के लिए 47,600 से आपकी शुरुआत हो रही है, बहुत बड़ी संख्या है, पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि प्रवक्ता बनकर आप कितने बड़े आप आर्थिक समस्याओं को ख़त्म करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पे लेवल रहेगा और ग्रेड पे आप देख लीजिए 4800 आपका ग्रेड पे होगा। बात करें आरक्षण की, जिसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एज यूजुअल जैसा मिलता आया है वैसा ही उसका आरक्षण रहेगा। अर्हता की तिथि के बारे में बात करें तो आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि की अर्हता के अनुसार ही मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता PGT की हमें पता ही है MSc होती है, BEd अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज TGT में आपको BSc मतलब ग्रेजुएशन और BEd चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके ये न्यूनतम है। परीक्षा के केंद्र कहाँ कहाँ रहेंगे, परीक्षा के केंद्र तो बहुत सारे होते हैं, आप पूरे UP में कहीं पर भी डाल सकते हो। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो देखो जैसे पहले 2019 में हुआ था उसी के अनुसार सब कुछ चलता आ रहा है। 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अनुसार ही आपका पेपर का पैटर्न रहेगा, मतलब आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि 85 अंक की होगी, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। ठीक है, साक्षात्कार में सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर 3% अंक होंगे। मतलब विद्यार्थियों आपका रिटिन पेपर होना है और साथ में आपका इंटरव्यू होना है। पहले आपका रिटिन होगा, रिटिन में जब आप मार्क्स ले आओगे उसके मेरिट बनेगी, उसके मेरिट के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो यही आपका तरीका इस टाइम भी रहेगा। निम्नलिखित योग्यताओं के लिए के आधार पर 5% अंक, अब देखो आपकी एक्स्ट्रा, अगर आपने डॉक्टरेट किया हुआ है तो 2% मिलेगा, अगर आप एमएड है तो आपको 2% मिलेगा, अगर आप बीएड हैं तो आपको 1% एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। ये सब वेटेज हमें कब मिलते हैं, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं गाइज, उससे पहले नहीं मिलते हैं। ठीक है, और यदि आप कहीं पर भी नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हो, ठीक है ना, स्टेट लेवल के प्लेयर रहे हो तो भी आपको इसका वेटेज मिलेगा। बात करें प्रवक्ता वर्ग के चयन हेतु, तो वही वाली बात हो गई कि इसमें भी लिखित पेपर होगा आपका, ठीक है, और साथ में अधिभार होगा, मतलब वेटेज होगा जो मैं अभी आपको बताई हूँ। आपने अगर PhD किया है या फिर आपने MEd किया है, BEd किया है, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स के एक पार्टनर रहे हैं स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर, तो उस चीज़ का आपको वेटेज मिलेगा। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी गाइज वो 425 नंबर की होगी, रही बात साक्षात्कार की तो वो आपका 50 नंबर का होगा। विशेष योग्यताओं पे अधिभार की बात करें तो वो 25 नंबर का आपका वेटेज होगा। तो कुल मिला के आपका जो पूरी कहानी है, मतलब जो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो 500 अंक पर आधारित है। इस 500 अंक में आपको फाइट करनी है पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फॉर्म्स भरे जाएंगे उनके स्टूडेंट्स के साथ। गाइज मेरा अब तक के जितने भी एक्सपीरियंस मैंने देखा है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस पाया है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि फॉर्म तो लाखों भरते हैं पर एक पढ़ने वाले बच्चे की कंपटीशन सिर्फ 2% बच्चों के बीच में होती है। तो आपने ये नहीं देखना कितने लाख फॉर्म भरे गए हैं, आप बस इतना देखिए कि पढ़ने वाले कितने हैं, वो सिर्फ 2% ही होते हैं, तो आपकी कंपटीशन सिर्फ 2% के बीच में होने वाली है। नेक्स्ट देखिए कि आपका जो लिखित परीक्षा है वो 425 नंबर की होने वाली है, ठीक है, और इसमें हर प्रश्न जो होगा वो 3.4 मार्क्स का होगा। 3.4 का मतलब आप सीधे 4 नंबर लगा कर चलिए कि आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो लगभग 4 नंबर का होने वाला है, और निगेटिव मार्किंग का कोई सीन नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से पेपर को कर सकते हैं। आपके पेपर का जो टाइमिंग है वो कितना रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है, तो 2 घंटे में आपने अपने पेपर को कर लेना है। पेपर का जो पैटर्न होगा वो MCQs होगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव ठीक करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट, वही जैसे आप रिटेन जो दोगे उसका जो मार्क्स आपके आएंगे उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी गाइस। फिर जो वो मेरिट लिस्ट होगी उसमें अगर आपका नाम आता है तब आप साक्षात्कार के लिए जा पाओगे। चयन हेतु मेरिट लिस्ट, जिसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। कुछ ये पॉइंट्स हैं, आप लोग पढ़ लेना, सामान्य कुछ आपके लिए टिप्स दिए हुए हैं, इसको आप एक बार देख लेना। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही दिए हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो भी थी वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, ये आपके लिए अगर आप किसी भी कास्ट को प्रेफर करते हो तो आपके लिए एक ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप इसके थ्रू इसे बनवा सकते हो।
ठीक है, पिछले वर्क के लिए ये है, आप देख लीजिएगा, साइट पर जाके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। यदि आप स्पेशल चाइल्ड हैं, यदि आप स्पेशल पर्सन हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी में हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए भी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। और साथ में अब आपके सामने कितनी वैकेंसीज किस पार्ट में आई हैं वो दी हुई है। हिंदी में हमारी जनरल में 213 है, बहुत वैकेंसीज है साथियों, जनरल वाले खुश हो जाइए। ओबीसी में भी बहुत है, 90 है, कुल मिला के आपको 363 वैकेंसीज मिली हुई हैं। बात करें गणित में तो इसमें 98 है। गृह विज्ञान वालों के लिए इस बार अफसोस है कि सिर्फ 2 वैकेंसी हैं, तो इस बार सबसे कम आई हैं। बालक वर्ग में 2 वैकेंसी, अर्थशास्त्र में 143, सभी के आप देखते जाइए। एक तरफ से मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता देती हूँ, जहाँ पर आके बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। जीव विज्ञान की है 108, भौतिक विज्ञान की है 148, जो कि सबसे ज़्यादा बहुत खुशी हो रही है इस बार देख के कि बालक वर्ग में केमिस्ट्री की 160 वैकेंसीज आई हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, पर बालिका वर्ग के लिए थोड़ा अफसोस की बात है, बहुत कम वैकेंसीज हैं। बाकी मनोविज्ञान में सभी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप एक तरफ से देख लीजिएगा, करा, नागरिक शास्त्र, भूगोल, कुल मिला के अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में आई हुई है, तो साथियों हिंदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। तो हिंदी का तो तैयारी जो कर रहे हैं उनको पूरा लगे रहना है, और एट एनी कॉस्ट अपनी एक जो जगह है वो बना लेनी है। बात करें अगर बालक वर्ग की, तो बालक वर्ग अपने रसायन विज्ञान हो चाहे भौतिक विज्ञान हो, सभी में अपने को प्रूफ करने से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब बात कर लें 11 से 12 तक के अध्यापक हेतु, मतलब प्रवक्ता की, वही क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप हिंदी में हैं तो आपको एमए संस्कृत होना या फिर एमए हिंदी का होना अनिवार्य होगा, और साथ में कुछ एडिशनल अर्हता दी हुई है, बीएड होना चाहिए, पीएचडी, एमए, ठीक है। मैथ के लिए आपके पास एमएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। साथ में अगर आपके पास बीएड है, एमएड है, ये सब प्रमाण पत्र भी आपके अर्हता का कार्य करेंगे। गृह विज्ञान सेम वही चीज़, आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो, प्रवक्ता का प्रश्न पेपर दे रहे हो, उससे आपका पीजी होना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। और साथ में अगर आपके पास बीएड है तो बहुत ही खुशी की बात है। साथ ही इसी तरीके से आपके टीजीटी की भी वैकेंसी आई हुई है, टीजीटी में आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड का होना अनिवार्य है, तभी आप पेपर को भरने में, रजिस्ट्रेशन को करने में सक्सेसफुल रहेंगे, उस पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही, आशा करती हूँ आपको ये नोटिफिकेशन बहुत पसंद आया होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आज हो रही है, आई एम नॉट वेल, बट इतनी अच्छी न्यूज़ थी तो आपके सामने आना बहुत ज़रूरी था। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे कुछ अच्छी खबर के साथ। बाय ऑल, गुड नाइट।